सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों दी वल। तमिलनाडु कैबिनेट नूं लैके सरकार ते राजपाल आमो सामने बालाजी बने बगैर विभाग के मंत्री। ईडी ने बिजली मंत्री न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली एयरपोर्ट से 13 करोड़ की कोकीन बरामद। कीनियाई औरत गिरफ्तार। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजी। मनरेगा स्कीम नूं लैके बोले मुख्यमंत्री मान। सीएम ने मनरेगा स्कीम की वध-वध वकालत की। पंजाब च मनरेगा कामिया की दिहाड़ी होरना सूबे नालों घट। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। तमिलनाडु सरकार ते राजभवन विचाले चल रहा विवाद उस वेले होर डूंगा हो गया जदों तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी कर वी सेंथिल बालाजी नूं बगैर विभाग दे मंत्री वजों काम जारी रखण नूं कहा। दस दईए कि बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी नूं ईडी वल्लों मनी लांडरिंग दे मामले विच गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत विच भेज दिता गया। इस वेले उन्हां दा बाईपास सर्जरी लई एक निजी हस्पताल च इलाज चल रहा है। इस बारे एक अधिकारित बयान मुताबिक सेंथिल बालाजी की सेहत नूं ध्यान च रखदे हां बिजली विभाग की जिम्मेवारी वित्त मंत्री थंगम थेनारसू ते आबकारी विभाग शहरी विकास विभाग मुथुसामी नूं सौंपिया गया। हालांकि सेंथिल बालाजी बगैर किसी विभाग के भी मंत्री बने रहेंगे। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विस्की दियां दो बोतलों च कोकीन की समगलिंग के दोष च 25 साल एक कीनियाई औरत नूं गिरफ्तार किया गया। कस्टम ड्यूटी विभाग के कुछ अधिकारी ने जानकारी दिंदे दस्सिया है कि अदीस अबाबा तो आने तो बाद मुलजम औरत नूं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रोकया गया। तलाशी दौरान उस कोलों विस्की दियां दो बोतलां बरामद हुई जिन्हां च लगभग 13 करोड़ रुपए की कोकीन घोली हुई सी। औरत नूं यह बोतलां नैरोबी हवाई अड्डे से सौंपी गई सन। उसने अगे दिल्ली च एक व्यक्ति ने यह बोतलां देनिया सन। कीनियाई औरतों एक स्थानक अदालत पेश किया गया जिसने उसनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत च भेज दिता। यूपी के शहर बलिया के जिला हस्पताल च बीते 2 दिनों च कहर की गर्मी कारण 34 बीमार लोगों की इलाज दौरान मौत हो गई। हस्पताल के एक अधिकारी ने दसिया कि मरन वालों च ज़्यादातर बुजुर्ग सन। बलिया के चीफ मैडिकल ऑफिसर डॉक्टर जयंत कुमार ने दसिया कि जिले च पै रही तेज़ गर्मी कारण लोग बीमार हो रहे हैं। हस्पताल च दाखिल ने उन्होंने दसिया कि पिछले 2 दिनों च 34 लोगों की मौत हो चुकी है। इन्हों चो 15 जून में 23 और 16 जून में 11 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने भी कहा कि मरन वाले ज़्यादातर मरीज बुजुर्ग सन और होर बीमारियों तो भी पीड़ित सन। सीएमओ ने दसिया कि इन्होंने लोगों को गंभीर हालत में जिला हस्पताल में भर्ती करवाया गया से इलाज के जांच दौरान इन्हों सारे की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की गर्मी बर्दाश्त करनी औखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेंडू खेतरां च विकास नूं हुलारा देण ते रोजगार दे मौके मुहैया करन लई महात्मा गांधी कौमी पेंडू रोजगार गरंटी एक्ट मनरेगा स्कीम की वध-वध वरतों करन दी वकालत की है। स्कीम के कामकाज का जायजा लैण लई मीटिंग की प्रधानगी करदे मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कीम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्कीम हरेक वित्तीय साल विच हरेक उस घर नूं घट्टो घट 100 दिनों का गरंटी शुदा रोजगार दे के रोजी रोटी की सुरक्षा च वाधा करती है जिन्हां दे बालग मैंबर गैर हुनरमंद हत्थीं काम करन दे इच्छुक ने। मुख्यमंत्री ने इस गल ते अफसोस जाहिर किया कि सूबे लिए मनरेगा तहत अधसूचित मजदूरी दर 303 रुपये गुआंढ़ी सूबे हरियाणा के मुकाबले घट है जिथे यह 357 रुपये है। सूबा सरकार इस मुद्दे नूं केंद्र सरकार कोल जोरदार ढंग नाल चुकेगी। अठारह जून नूं पंजाब दे नैब तहसीलदार दी होण वाली प्रीख्या पंजाब सरकार लई चुनौती बनी हुई है।
भगवंत मान सरकार वालों पंजाब लोक सेवा कमिश्न राही करवाई जाने वाली यह पहली प्रीख्या दूजी बार हो रही है। तो पिछले साल 22 मई को हुई इस प्रीख्या च धांधली हुई सी, जिस कारण प्रीख्या रद्द कर दी गई सी। इस मद्देनजर इस बार पंजाब सरकार ने सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए ने, जिस दाखिल होने तो पहला हर उम्मीदवार को बायोमैट्रिक मशीन तो लंघना होगा, तो उस तो बाद उसके एडमिट कार्ड से एक होलोग्राम भी लगाया जाएगा, ता जो किसी भी तरह की हेराफेरी की गुंजाइश ना रहे। नैब तहसीलदार दी 78 असामियां लई होने वाली इस प्रीख्या च करीब 70,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। प्रीख्या का पेपर किते भी लीक ना होए, इसलिए पीपीएससी वालों तीन पदरी सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं, विशेष सावधानी वरती जा रही। भारतीय किसान यूनियन गैर राजसी वालों पावरकॉम संबंधी किसानों के पिंडों के होरना वर्गों के लोगों की मंगों को लेकर पटियाला विखे चल रहे धरने तो बाद किसान आगुआ ने कड़ा रुख अख्तियार करते इस धरने को मनबर्थ तब्दील किया। भावें पुलिस वालों इन्होंने किसान आगुआ जबरी धरना खत्म करवा दिया गया, लेकिन बीते दिन ही पावरकॉम दबा च आ के किसानों की मंगों मन वर्त रख बैठे किसानी आगुआ का धरना खत्म करवाया। उथे ही किसान आगू हकी मंगों लगे मोर्चे के फतेह होने उपरंत अपने अपने संबंधित इलाके पहुंचे, तो किसानों वालों उन्होंने स्वागत किया गया। किसी भी एक एकड़ तो बाद नहीं, पहले एक एकड़ की लिमिट सी, हूँ 10 एकड़ लै जाए 15 से लै जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ, जिथे मर्जी खड़ सकता। घर में अपने लोग पशु पालते हैं, 4 तो वध हो गए, उन्होंने चार्ज लगता सीगा कमर्शियल चार्ज, उन्होंने डोमैसटिक चार्ज तब्दील करता गया वा। एक है इंस्पैक्शन चाहिए आप, जो इंस्पैक्शन रिपोर्ट चाहिए वह चार्ज चाहिए आप, 15% इंस्पैक्शन चार्ज आ सुपरविजन चार्ज। अगर तुहाडा लख का काम है 15,000 रुपया बिजली बोर्ड उतना सुप्रीम चार्ज लेंदा, वो भी अपना वेवऑफ कराता। जिहड़ा जमीन के कनैक्शन ना बदली नहीं होंदे, साडे बाबे दादे ना चलन रहे आ, उन्हां दी प्रक्रिया नूं इन्ना सरल बनाता कि एक दो डाकूमेंट लाओ अपना नाम चेंज करा सकते हो। ये 7 मंगा साडियां, 24 घंटे ट्रांसफार्म बदली करना, जिहड़े वीडीएस स्कीम लोड वधाए ने लोगों ने अपनी मोटर के, वो सारे ट्रांसफर वड्डे करना। ये सारिया मंगा जिहड़ियां मनवा के अपन जो हुण फौरी अपन झोने सीजन चाहीदियां सी वो बनवा के, और उस तो बाद 2 हफ्ते सरकार ने बाकी रिंदियां मंगवा साडे नाल मीटिंग करूगी, क्योंकि वो जिहड़ियां विधानसभा पास होनी ने सबसिडी वाली वो इजलास इहदा आने वाला, अहीं क्या 2 हफ्ते सानू मीटिंग दो, वो 2 हफ्ते डेट सानू अपन नू आजूगी, उस तो बाद उन्हां दे विचार वटांदरा होगा। अमृतसर पठानकोट नैशनल हाईवे नज़दीक बटाला बाईपास से दर्दनाक सड़क हादसा वापर गया, जिस दौरान तेज़ रफ्तार ट्रक चालक वालों मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी गई, जिस दौरान मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जदों की ट्रक ड्राइवर मौके तो फरार हो गया। मृतक मोटरसाइकिल सवार की पहचान 45 साल लखविंदर सिंह पिंड मियाणी पठानकोट वजों हुई है। लखविंदर की उम्र करीब 45 साल, उस पुलिस वालों मृतक की लाश को कब्जे च लैके ट्रक चालक की भाल शुरू कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल वालों अपने दफ्तर विखे 73 लोगों को बुढ़ापा पेंशन मंजूरी पत्र सौंपे गए। इस तो पहला उन्होंने वालों एक औरत की शिकायत से अचनचेती पिंड खतराई खुरद की सरकारी डिस्पेंसरी छापा मारे गए, जिस दौरान कुछ अधिकारी ड्यूटी पर नहीं मिले, तो औरत के दोषों मुताबिक गैर हाजिर अधिकारी वालों उन्होंने काम से पैसों की मांग करके रोक लगाई गई, जिस तो बाद कैबिनेट मंत्री वालों मौके पर पहुंच के मामले की जांच के आदेश जारी किए गए। महीने पहला 2 वड्डे कैंप लाए थे पेंशन वास्ते, उहदे लई अज 73 लाभकारी जिहड़े उन्होंने पेंशन के पेपर दिते, उन्होंने पेंशन लग गई। इस करके मतलब जिहड़ा असी यह तय किया कि अगले दिनों दे विच असी पेंशन वास्ते जिहड़े राशन कार्ड उन्होंने वास्ते नीले कार्ड उन्होंने वास्ते जिन्नियां भी सरकारी सहूलतां वो सारियां घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करांगे, उहदी अज असीं शुरुआत जिहड़ी कीती है। 73 मतलब जिहड़े अज लाभकारी मतलब होए 73।
जिला योजना बोर्ड गुरदासपुर के चेयरमैन एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवा दे आम आदमी पार्टी का जनरल सकत्र पंजाब बनन ते हलका कादियां विखे पहुंचे। उत्थे सब तो पहला जगरूप सिंह सेखवा वालों इतिहासिक गुरुद्वारा साहब बाबा राजा राम हरचोवाल विखे नतमस्तक होए ते गुरु साहब का आशीर्वाद लिया। हल्के दे लोकां दे वड्डे काफिले च कादियां दाणा मंडी च पहुंचे ते उत्थे हल्के दे लोकां ते आम आदमी पार्टी दे स्थानक आगुआं ते वर्करां नूं जगरूप सिंह सेखवा ने संबोधन किया। आम आदमी पार्टी वल्लों जगरूप सिंह सेखवा नूं जनरल सकत्र दी अहुदेदारी मिलन तों बाद उह पहली वार अपने हल्का कादियां च पहुंचे ते हल्के दे लोकां ने लोग आए ने बड़ी गर्मजोशी के नाल इन्होंने मेरा स्वागत किया क्योंकि दास नूं जनरल सकत्र आम आदमी पार्टी पंजाब का थापिया गया और मैं हलका कादियां दे विच पहली बार आया वा और बड़ा वड्डा स्वागत इत्थे होया। मैं बहुत धन्नवाद करदा वा पार्टी के वलंटियर का दर्जा बदर्जा अहुदेदार साहबान का और उस तो वड्डा धन्नवाद मैं अपनी हाई कमांड का श्री अरविंद केजरीवाल जी का भगवंत मान जी का और डॉक्टर संदीप पाठक जी का करना जिन्होंने मैनू ये अहम जिम्मेवारी मैं इस काबिल समझिया और मैं यकीन भी दवाना वा कि मैं दिन रात एक करके पार्टी की चढ़ती कला के लिए हर कदम वधावांगा और पार्टी नू जिहड़ा वा बुलंदियां। भाखड़ा डैम दियां मच्छियां खाण दे शौकीन लोकां लई बुरी खबर है क्योंकि मच्छियां दे प्रजनन सीजन नूं देखदे होए जून तो अगस्त महीने तक इन्हां दो महीनियां दौरान मच्छियां नूं फड़न ते पूर्ण तौर ते पाबंदी लगा दित्ती गई है ते मच्छियां दे शिकार ते वी पाबंदी लगाई गई। अज तों दो महीनियां लई सागर झील ते होर जल स्रोतां ते पाबंदी लाई गई है। इस संबंधी वधेरे जानकारी दिंदे होए मच्छी कारोबार दे वड्डे ठेकेदार रिपू कोहली ने दस्सिया कि मच्छी दे प्रजनन सीजन दे मद्देनज़र हिमाचल सरकार दे मच्छी पालन विभाग ने जून तो अगस्त तक मच्छियां फड़न ते पाबंदी लाई है ते इन्हां दो महीनियां दौरान मच्छी उत्पादन सीमित है शिकार ते पूर्ण पाबंदी होएगी। हिमाचल मच्छी पालन विभाग के डायरेक्टर सतपाल मेहता ने भी इस गल की पुष्टि करदे कहा कि ब्रीडिंग सीजन दौरान जेकर कोई भी मच्छी का शिकार करता फड़िया गया तो उस विरुद्ध कार्रवाई होएगी। इस तो इलावा विभाग वालों विशेष टीमों का गठन करके तस्करां ते सख्त निगाह रखणगे ते जेकर कोई व्यक्ति मच्छी का शिकार करता फड़िया जाता है तो उस विरुद्ध केस दर्ज किया जाएगा ते नाल ही सजा भी है। पहला ये रूल सीगा कि भाई एक जून तो लैके एक अगस्त तक बंद हुंदी सी तां ड्यू टू जिद्दां मानसून डिले होया उहदे करके हिमाचल गवर्नमेंट ने 15 दिन डिले करते कुछ 3-4 सालों तो हुण यह 15 जून तो लैके 15 अगस्त तक क्लोज सीजन हुंदा है। हिमाचल च बिल्कुल फिश बैन हुंदी है तुसीं उत्थे शिकार भी नहीं कर सकदे ते तुसीं वेच भी नहीं सकदे। ठीक है जी। जैविक अभ्यास वर्ग भारती किसान संघ जिला फाजिलका वालों किसानों जैविक खेती संबंधी जागरूक करन ते रसायनिक खादों की वरतों नाल होने वाले नुकसान बारे जागरूक करने लई प्रोग्राम नासा एग्रो इंडस्ट्रीज पोर्ट एग्री वेंचर लिमिटेड विच कीता गया जिस दौरान वख-वख पिंडां तों पहुंचे किसानों जागरूक करने लई समागम वाली थां ते प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रोग्राम विच मुख बुलारे वजो पहुंचे अखिल भारती जैविक प्रमुख किसान संघ दे पदम श्री हुकम चंद पाटीदार ने किसानों सेध दिंदे कहा कि जेकर मनुख नूं बचाउणा ते जैविक खेती करनी होई गई ने दस्सिया कि जैविक खेती का मंतव किसानों नूं कुदरत नाल जोड़ के रसायनिक खादा ते जहरां तों निजात दिवाउणा। नाथन जी ने जब किया उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि देश में अनाज की कमी है, अकाल जैसी स्थिति बन रही है और विदेशों से हमें अन्न आयात करना पड़ रहा है, तो ऐसे में ये किसी को आभास नहीं था कि अधिक पैदा करना ही मानव जीवन का एक लक्ष्य बन गया और ये नहीं सोचा कि हम जिस केमिकल का इस्तेमाल इस धरती में कर रहे हैं ये प्रकृति को नष्ट करती जा रही है, हमारी जो जैव विविधता है पूरे ब्रह्मांड की जो उसको नष्ट कर रही है और इसका प्रकृति के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ये थोड़ा सोचे ये निर्णय लिया गया। बाद में उन्होंने स्वयं को इस विषय को लेकर थोड़ा पछताना पड़ा, ये हमारे सामने विषय है। लगभग 38 साल पहला 1985 च बंद हो चुके दमदार मोटरसाइकिल जावा ते जैसदी दी मुड़ वापसी हो चुकी है। इस दे शोरूम राज मोटो स्टार दा उद्घाटन पटियाला विच होया। उद्घाटन दी रस्म मुख मेहमान दे तौर ते पद्म श्री जगजीत सिंह दर्दी ने अदा कीती। इस तों पहला श्री सुखमनी साहिब दे पाठ दे भोग पाए गए।
इस मौके राज मोटो स्टार के एम डी पुष्कर राज सिंह ते इंजीनियर हरजिंदर सिंह ने दस्सिया कि 1985 कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिता से जदों की होरना देशों में इसके काम जारी ने। इसलिए हुण महिंद्रा एंड महिंद्रा की क्लासिक लेजेंड कंपनी वालों फ्रेंचाइजी लैके भारत में अपना कारोबार शुरू कर दिया गया जिसके चलदियां पटियाला विच पहली बार शोरूम खोलिया गया। माण ते खुशी वाली गल है कि जलंधर अमृतसर लुधियाना खन्ना इन्हां शहरां विच सफलता प्राप्त करन तो बाद जावा मोटरसाइकिल पटियाले विच हुण आसानी नाल मिल सकेगा। मैं सरदार पुष्कर राज सिंह जी उन्हां दे बेटे हरजिंदर सिंह जी ते इन्हां दी सारी टीम नूं मुबारकबाद दिंदा हाँ कि इन्हां ने सचमुच ही पटियाले लई एक करामाती काम कीता है जिस दा केवल नौजवानों वालों नहीं सगो समुचे पटियालियों वालों स्वागत किया जा रहा है। और जड़े फीचर लैके ये नवे मॉडल इत्थे लैके आए रहे हैं उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी सहूलतों का जो इन्होंने वेरवा दिता है वो सुन के बहुत खुशी हुई है कि मोटरसाइकिल मार्केट के दूजे मोटरसाइकलों नाल कंपीट करके बहुत जल्दी अगे निकल जाएगा क्योंकि बड़ी क्रेज़ सी लोग स्क्रैप जो पुराने मोटरसाइकिल खरीद के उन्होंने ठीक करवा के चलाते सन हूँ बिना किक मारिया सैल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल और सारिया मॉडर्न फैसिलिटीज़ के नाल इक्विप्ड मॉडल जो हैं नवे मॉडल इन्होंने पेश किए हैं। मैं इन्हों मुबारकबाद दिता हुआ हार्दिक शुभ इच्छावां दिता हाँ कि वाहिगुरू करे इन्हों की एजेंसी बाकी एजेंसियों के मुकाबले सब तो अगे जा के इत्थे दे लोगों की सेवा कर सके। जावा यस की बाइक जिहड़े ने यह 1929 की कंपनी है तो इंडिया के विचों यह कोई 80s के विच विड्रॉ हो गया सी किसी कारण करके उस टाइम भी बड़ा मशहूर हुंदा सी लोग पंजाबी तां जद्दी जद्दी कहिंदे हुंदे सी इहनूं। हुण कंपनी दुबारा रिवाइव हुई है महिंद्रा का जिहड़ा हैगा इहदे विच स्टेक है। मोटरसाइकिल बनाए ने इन्हां ने सारे नवी तकनीक दे नाल सैल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल है कोई किक नहीं है सिक्स स्पीड गेयर है टॉर्क तो BHP बहुत हाई है। ये पूरा कंपटीशन देंगे ने जिमें कि बड़े इंपोर्टेड मोटरसाइकिल आते हैं तुम नौ सारे ने सुने होगा हार्ले डेविडसन हो गया इंडियन हो गया तो उन्होंने इस कैटेगरी में पूरा कंपटीशन देंगे ने ये बाइक LED हेडलाइट्स ने इन दिया बाकी रफ्तार दे नाल नाल सेफ्टी का भी बड़े फीचर ने। ABS ब्रेक है जो कि बारिश होवे ग्रीसी रोड होवे स्लिप नहीं करता तुसी कट मारो जो मर्जी करो स्लिप नहीं करता हैंडलिंग जड़ी है कि ये बहुत सेफ है। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्यवाद।